हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक कच्चे आलू और हाफ कप सूजी से बना हुआ टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। और इस नाश्ते को हमने बिल्कुल कम ऑयल में बनाया है, ये देखिए। और इसके साथ हमने एक अलग तरीके की चटनी शेयर की है, देखने में बढ़िया, खाने में उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और बिल्कुल सॉफ्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले कच्चे आलू को एक ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, हल्का सा मोटा ग्रेटर लें, बहुत बारीक भी ना लें। ये देखिए ग्रेट करने के बाद आप इसको पानी में रख दें। अब एक फ्राइंग पैन या कढ़ाई में हम लगभग 2 कटोरी पानी लेंगे, पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हो। हम इसे कटोरी से मेज़र कर रहे हैं, आप चाहें तो मेजरिंग कप से भी मेज़र कर सकती हो। और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे, इसी के साथ ही लगभग 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के प्लेस पे आप देसी घी भी ले सकती हैं। अब इसमें हम हल्का सा रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, आप इसके प्लेस पे चिली फ्लेक्स या हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक कट करके ऐड कर दें। इसे एक बार स्पून की हेल्प से या फिर स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने दें। जब ये हल्का बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तब इसमें ग्रेट किए हुए आलू ऐड कर देंगे। ये देखिए आलू को वॉश करने से आलू में जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाता है। अभी हम इसमें सूजी नहीं ऐड करेंगे, पहले हम आलू ऐड करके एक बार स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। हम इसे मीडियम या लो फ्लेम पे ही कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट में आलू हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना करें। ऐसे बॉयल होने लगे तब आप फ्लेम को बिल्कुल लो या मीडियम कर दें और बीच बीच में इसको ऐसे चलाते रहें। थोड़ी देर के बाद हम आलू को चेक करेंगे हाथों के हाथ से, अगर वो हल्के से ऐसे टूट जा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। 2 से 3 मिनट में ही ये कुक हो जाते हैं। अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे, हमने लगभग हाफ कप सूजी ली है, उससे हल्की सी ज़्यादा ली है, बहुत ज़्यादा भी नहीं ली है। इसको एक बार मिक्स कर लें और ऐसे मिक्स करें कि इसमें जो लम्स हैं वो हट जाएँ। इसमें जो ऐसे गांठें पड़ी हुई हैं उसको स्पैचुला से तोड़ लें और लगातार मिक्स करते रहें। फ्लेम को लो या मीडियम रखें और लगातार चलाते रहें, तब तक कुक करें जब तक कि नीचे से पैन से अलग ना होने लगे, हल्का सा ड्राई हो जाए। ये देखिए हम स्पैचुला से ऐसे तोड़ देंगे जिससे ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाएगा। और लगातार मिक्स करते रहने से ये नीचे से जलता नहीं है, तब तक कुक करेंगे जब तक कि नीचे से अलग ना होने लगे, कि ऐसे फोल्ड ना होने लगे। ये देखिए अभी अच्छी तरह से ऐसे फोल्ड हो रहा है, हल्का सा और कुक करें 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें। अब यह अच्छी तरह से कुक हो गया है, फ्लेम ऑफ करने के बाद एक ग्रीस किए हुए प्लेट में ऐड कर दें। एक साथ हम जितना बनाए हैं सारा हम प्लेट में ऐड कर देंगे। प्लेट में ऐड करके एक बार स्पैचुला से ऐसे मिक्स कर लें। नीचे हमने प्लेट में हल्का सा ऑयल लगाया है जिससे ये नीचे नहीं चिपकता है। स्पैचुला से ऐसे फैला दें और हल्का सा ठंडा कर लें नॉर्मल टेम्परेचर पे। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब हम इसको शेप देंगे। हाथों को वाटर में ऐड करें जिससे हाथ में ये जलता नहीं है। हल्का गर्म में ही आप इसको ऐसे सेट करें, ऐसे दबाते हुए हम इसे स्क्वायर शेप में ऐसे कर लेंगे। और ऐसे हाथों में वाटर लगाने से ये ऊपर से बिल्कुल चिकना हो जाता है। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हो हाथों में, पर ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ये देखिए ऐसे हल्का हल्का प्रेस कर दें, हल्का सा मोटा रखें और लगभग 15 से 20 मिनट फ्रीज या फ्रीजर में रख दें ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। तब तक हम इसकी एक अलग तरीके की चटनी बनाएंगे। धनिया के पत्ते को अच्छी तरह से वॉश करके मिक्सर जार में ऐड कर दें। अब इसमें हम भुने हुए चने ऐड करेंगे। अगर आपके पास भिगोए हुए चने हैं तो उसको हल्का भून के भी ऐड कर सकते हो। अदरक हरी मिर्च ऐड कर दें, इसी के साथ ही आप चाहें तो लहसुन भी ऐड कर सकते हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करें। हम इसे बिना प्याज और लहसुन के बना रहे हैं। और ग्रेट किए हुए सूखे नारियल ऐड कर दें। अगर आपके पास ताजे नारियल हैं तो इसके प्लेस पे आप वो भी ऐड कर सकते हो। सूखे नारियल को ग्रेट करके ऐड करने से ये बहुत बारीक पिसते हैं। और लगभग 1 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे, हम इसमें गाढ़ी दही ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ ही 1 टेबल स्पून वाटर ऐड करें, बहुत ज़्यादा वाटर भी ना ऐड करें, बिल्कुल बारीक पीस लें। ये देखिए चटनी कितनी परफेक्ट बनी है, बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर की। आप इस चटनी से किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकती हो, ये बहुत टेस्टी लगेगा। आप इसे किसी बोल में निकाल लें और ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है।
जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो ये कट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं देगा, बिल्कुल इजीली ऐसे कट हो जाएगा। ये देखिए, आप इसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप्स में कट कर सकते हो जैसा आपको पसंद हो। पहले हमने स्क्वायर शेप में कट किया और फिर उसको बीच से ऐसे ट्रायंगल शेप में कट कर रहे हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से कट कर सकते हो और इसे एक प्लेट में रखते जाएं। अब हम इसको हल्का सा तड़का लगाएंगे, हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे, हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे। एक फ्राइंग पैन में लगभग 1 टीस्पून ऑयल ऐड करें। ऑयल के साथ ही अब इसमें हम रायदाना ऐड करेंगे। इससे एक अलग सा टेस्ट आता है और देखने में भी बहुत बढ़िया लगता है। ऐसे फैलाते हुए ऐड करें। आप चाहें तो तड़के में करी लीव्स भी ले सकते हो। इसी के साथ ही सफ़ेद तिल ऐसे स्प्रेड करते हुए ऐड करेंगे, क्योंकि हम कई सारा एक साथ फ्राई करेंगे तो हमें ऐसे फैलाते हुए ऐड करना है। जब ये हल्का हल्का फ्राई होना स्टार्ट हो जाए तब आप इसे एक एक करते हुए ऐसे ऐड करें और ऐसे तेल के तरफ ऐसे करते हुए ऐड करें जिससे ये नीचे से हल्का सा चिपक जाता है राई और तिल। हल्का सा प्रेस करके ऐड करें और एक साथ हम कई सारा ऐड कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको राई और तिल दिख रही है वहाँ पे ऐसे हटा के फिर से वहाँ पे ऐसे ऐड कर दें जिससे तिल और राई वेस्ट भी नहीं होगा। हम एक साथ कई सारा फ्राई कर सकते हैं। बीच बीच में जहाँ जगह है हल्का सा सरका के आप इसको ऐड कर दें। अब स्पैचुला की हेल्प से ऐसे पलट दें। एक साथ हम कई सारा ऐसे पलट दे रहे हैं, आप चाहें तो एक एक भी पलट सकती हो। बस बहुत आसानी से पलटे, नहीं तो स्पैचुला लगने से ये हल्का सा टूट सकता है। ये देखिए, ये वाला हल्का सा टूट गया है। ऊपर के साइड से ये हल्का हल्का क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गया है। दोनों साइड पलट के हल्का हल्का गोल्डन कलर का होने तक हमें इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी ना करें, आप इसे अपने अकॉर्डिंग ब्राउन कर सकती हो। अगर आप इसे ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं, ज़्यादा क्रिस्पी, तो आप और भी कर सकती हो। ये देखिए, पलटने के बाद थोड़ी देर तक फ्राई होने दें और फिर से इसको दोनों साइड हल्का हल्का ब्राउन होने तक पलटें। ऊपर से हम सांभर मसाला स्प्रिंकल करेंगे जिससे इसमें एक अलग सा फ्लेवर आता है और ये उतना ही टेस्टी लगता है। बहुत ज़्यादा भी ना ऐड करें, आप ऊपर से अपने अकॉर्डिंग कोई भी मसाले ऐड कर सकती हो। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से भुन गया है। हल्का भुनने के बाद आप इसे फिर से पलट दें ताकि इस साइड भी ये हल्का सा और क्रिस्पी हो जाए। जब इसका कलर कुछ ऐसा हो जाए तब आप इसको ऐसे निकाल लें। डायरेक्टली आप पूरा एक साथ ऐसे निकाल सकती हो और सेम फ्राइंग पैन में बाकी बचे हुए को भी फ्राई कर लें। हल्का सा ऑयल ऐड करें और इसमें तिल और रायदाना ऐड करें। ऐड करने के बाद जब ये हल्का फ्राई होने लगे तब आप एक एक करते हुए ऐसे ऐड करें। ऐसे ही सारा फ्राई कर लें। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये हमने चटनी को सर्व किया है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। गर्मा गर्म सर्व करें। गर्मा गर्म ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी लगता है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। कट करते समय आप शेप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकती हो। ये देखिए, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और चटनी के साथ ये उतना ही टेस्टी लगता है। अब हम आपको इसको तोड़ के दिखाते हैं कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।